जहाँ पेड़ पौधों मनुष्यों के लिए वरदान माना जाता है, वहीं बहुत से पेड़ पौधे आयुर्वेद औषधियाँ बनाने में उपयोग करते हैं, जिन औषधियों से मनुष्यों को जीवन मिल जाते हैं। लेकिन हम आपको आज ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन का खतरा बन सकता है। पेड़ पौधे इतने सुंदर होते हैं किंतु पेड़ पौधे आपकी जान ले सकते हैं। दुनिया में कुछ पेड़ पौधे इतने जहरीले हैं कि बस चंद सेकंड में आपकी जान ले सकते हैं। पेड़ पौधे ही तो वातावरण को सुरक्षित रखने एवं हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में 5 सबसे जहरीले पौधों के बारे में बताएंगे। कौन कौन से जहरीले पौधे हैं जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सुसाइड ट्री। इस पौधे को सर्बेरा ओडलम के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन यह कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आपको नहीं है। खतरनाक और जहरीले पौधे के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले पौधे जो दिमाग में आता है वह है सुसाइड ट्री। इस पौधे का नाम ही है सुसाइड ट्री। इस पौधे को खा ले तो चंद सेकंडों में इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसके बीज के अंदर एल्काइड पाया जाता है जो बहुत ही जहरीला होता है। अगर कोई इसे खा ले तो जांचकर्ताओं के लिए यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसी हुई है। कुछ लोग इसे खा लेते हैं तो कुछ लोग इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे केरल और आसपास के समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की वजह से केरल में हर हफ्ते कई मौत तक हो जाती है। कनेर या नेरियम ओलेंडर। कनेर का पेड़ अक्सर किसी किसी के गार्डन में मिल जाएगा और इसके पीले रंग के फूल दिखने में भी आकर्षक लगते हैं, मगर शायद ही आप लोगों को यह मालूम होगा कि ये पेड़ काफी जहरीला है। कनेर का पौधा काफी ज्यादा खतरनाक और घातक पौधा माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी इंसान ने इसे गलती से सेवन भी कर लिया तो वह इंसान कोमा तक में चला जाता है। इसकी पत्ती अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से को टच कर ले तो खुजली होने लगती है। रोजरी पी। इसी तरह का एक और जहरीला और घातक पौधा होता है। रोजरी पी पौधे को रोजरी पी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीज का प्रयोग ज्वेलरी और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होने वाली माला रोजरी में होता है। वैसे इसे छूने से इसके बीज खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुचरने, टूटने या चबाने पर घातक साबित हो सकते हैं। इसमें एब्रिन पाया जाता है जिसका सिर्फ 3 माइक्रोग्राम किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। अरंडी या कास्टर बीज। अरंडी के बारे में अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि अरंडी के बीज से कास्टर ऑयल निकाला जाता है, लेकिन अरंडी के बीज काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। इसके बीज इतने जहरीले होते हैं कि यदि 2 बीज कोई भी बच्चा खा ले तो उसकी मौत हो जाती है, और अगर 8 से ज़्यादा बीज कोई भी खा ले तो वयस्क इंसान के भी मौत हो जाती है। इसमें राइसिन नामक जहर पाया जाता है जो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। इसकी वजह से पहले तो उल्टी और लूज मोशन होते हैं और फिर इंसान की मौत तक हो जाती है। व्हाइट स्नेक रूट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की माँ नैन्सी हैक्स की मौत इसी पौधे के कारण हुई थी। यह एक पौधा है जिसके छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। इसमें एक जहरीला एल्कोहल ट्रेटमोटोल पाया जाता है। अब्राहम लिंकन की माँ की मौत सीधे इस पौधे से नहीं हुई थी, उन्होंने उस गाय का दूध पी लिया था जिसने इस पौधे को खाया था। दरअसल अगर कोई भी जानवर इसे खा लेता है तो उसके मांस और दूध का सेवन करने वाले इंसान के शरीर में भी यह जहर फैल जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको इन जहरीले पौधों के बारे में पता था? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको इनमें से सबसे जहरीला कौन सा पौधा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।